हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, हमारा लास्ट लेक्चर है। ऐसे देखा जाए तो हाँ, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का हमारा लास्ट लेक्चर है, ठीक है। इस अब तक हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं, कुछ नहीं बचा हमारा, सारा का सारा हो चुका है। उसमें बस लास्ट में हमने पढ़ना था PEM, मैंने वो PEM छोड़ दिया था। सो आज हम PEM वाले टॉपिक क्लियर करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ओवरऑल पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। देखो, उससे पहले हमने डिजीज में कौन कौन से डिजीज पढ़े थे, थोड़ा सा रिवाइज कर लो। सबसे पहले आपने क्या, मैंने बताया था जॉन्डिस डिजीज है, ये बीमारियाँ। जॉन्डिस, जॉन्डिस में क्या होता है, मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ बस। जॉन्डिस में क्या होता है कि बाइल पिगमेंट का स्टोरेज, मतलब सिक्रीशन ज़्यादा होता है। बाइल पिगमेंट का सिक्रीशन क्या हो जाता है, हाई हो जाता है लीवर से, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में और आँख में जो वाइट, आँख की वाइट वाली पोर्शन है ना, उसमें क्या होती है वाइट, ये क्या बोलते हैं उसको, आपको पीला पीला दिखने लगेगा। मतलब आँख जैसे अभी हमारा नॉर्मल वाइट होगा, ठीक है, लेकिन किसी किसी का ना पीला हो जाता है आँख, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पीला हो जाता है, तो उसको बोलते हैं जॉन्डिस, ठीक है। तो उसको डॉक्टर उसको देख के बता देता है कि इसको जॉन्डिस हो गया भाई। वो सिम्टम है कि जो चीज़ बीमारियाँ होती हैं, मैंने क्या बताया था कि बीमारियाँ होती है, जैसे कि किसी भी चीज़ को खाते हो, कोई भी मेडिसिन खाते हो, आपको सूट नहीं करता, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट वो आपके बॉडी पे, मतलब वो आपकी स्किन पे अटैक कर देता है। वो स्किन को आपको क्या हो गया, एलर्जी बोलते हो जिसको, कि क्या होती है आपकी स्किन, मतलब या फिर इरिटेशन होने लगेगी, खुजली, या फिर क्या कहते हैं वाइट लाल लाल धब्बे नहीं पड़ जाते, या फिर किसी किसी को तो बहुत हार्ड हो जाता है, पैर हाथ सब फुल फाल जाता है। लेकिन वो सब एक्सटर्नली हमें दिखता है, ताकि उसको देख के हम बता सके कि इसको एक्चुअली में हो क्या रहा है। और इसको देख के बंदा डर जाएगा कि अगर मान लो कोई आपने कुछ खाया, डेंजरस चीज़ खाई, मतलब मेडिसिन खाई, वो आपको सूट नहीं करी, और वो मेडिसिन सूट नहीं करी तो क्या करोगे कि वो वाली अब खाओगे तो उसके बाद आपको इरिटेशन होने लगेगी। वैसे अगर अंदर से, मतलब ये स्मॉल वो सूट नहीं करेगी, इंटरनली ऑर्गेन को इफेक्ट कर देगा, तो बहुत डेंजर हो गई ना वो हमारे लिए, क्योंकि इंटरनल ऑर्गेन को इफेक्ट करेगा तो बस आपको क्या होगा, बस नहीं मतलब बहुत कुछ होगा, पेट वेट दर्द होगा, तो बहुत, तो आप लोग बेमतलब में कुछ 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 दवा खाने लगोगे। क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना हमारे सोसाइटी में, वो डॉक्टर से जाने से पहले खुद डॉक्टर बन जाते हैं, हाँ, तो वो ये वाली चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अभी आप मान लो आपके घर में अगर आप का पेट दर्द होगा, तो 10 लोग आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे कि ये वाली मेडिसिन खा लो, ये वाली मेडिसिन खा लो, डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक हो जाएगा। तो ये हम गलत कर देते हैं, हम लोग खुद से खाते हैं थोड़ा बहुत बीमारी, जैसे कि लाइक फीवर, मतलब वो भी हल्का फीवर जो होता है, वो फ्लू व्लू हो गया तो उसमें मेडिसिन चलता है। लेकिन अगर इंटरनली ऑर्गेन में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो डायरेक्टली आप किसी की ना सुने, सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना दिन लगा के पढ़ाया है, उन्हें समझ आता है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमें क्या पता, हम तो दूसरे को देख कर अपने आप को ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो वही कहानी है, ठीक है। देखिए, इसीलिए जब हम कोई एलर्जिक चीज़ खाते हैं, तो वो हमारे डायरेक्ट बॉडी के ऊपर रैसेस पड़ जाती हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है ना, जैसे रैस हो गए, धागे, मतलब इरिटेशन होने लगेगी, किसी का पैर हाथ फूलने लगता है, तो वो सब इसलिए ये होने लगता है, तो हम समझ जाते हैं कि हमको वो सूट नहीं किया, तो उस दवा को आप डायरेक्ट छोड़ देते हो, सीधे छोड़ देते हो। तो वैसा ही है कि जॉन्डिस में क्या होता है कि एक तरीके से जब लीवर में बाइल का पिगमेंटेशन कहाँ होता है, फॉर्मेशन हर चीज़ का, बाइल का जूस हो जाए, कुछ भी हो, वो सब का फॉर्मेशन तो लीवर करती है ना, स्टोरेज बाइल में होता है, तो वो बाइल का स्टोरेज लीवर में ना बहुत ज़्यादा बाइल पिगमेंट का ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो तो स्टोर होना होगा सो होगा, लेकिन बचा हुआ पोर्शन क्या होता है कि बचा हुआ पोर्शन हमारे पूरे बॉडी में मिल जाता है, ब्लड में मिल जाता है, ब्लड में मिल जाता है, इसके लिए हमारे स्किन पे वो दिखने लगता है, ठीक है, यही बताया था मैंने। सो इसका सिम्टम हो जाता है कि येलो इस इन आई आईज एंड स्किन, स्किन और आईज पे हमारा पीला पीला हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा, हमने जॉन्डिस पढ़ लिया, जॉन्डिस के बाद हमने पढ़ी थी क्या, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग क्या पढ़ी थी हमने, कि वॉमिटिंग होता है कि ये इजेशन ऑफ, मतलब जो डाइजेस्टेड फूड होती है हमारी, उसकी इजेशन हो जाती है, मतलब बाहर निकल जाता है वो, तो वो मतलब उसको बोलते हैं वॉमिटिंग, ठीक है। वॉमिटिंग का रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ पे है, मतलब रिफ्लेक्सिंग साइट है हमारी मेडुला ऑब्लिगेटा है, जो उस पोर्शन पे ये है हमारी वॉमिट साइट है, वॉमिटिंग साइट है, जो रिफ्लेक्स एक्शन करती है, उसके वजह से वो, मतलब आपका मन कुछ मिचमिचाएगा ना, तो वो ब्रेन डायरेक्ट हमारे वहाँ पे जाती है, मेडुला ऑब्लिगेटा के पास वो जाती है, और वहाँ पे उसको नोटिस करता है कि, मतलब वहाँ पे है, मतलब बोलता है कि हाँ इसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसको वॉमिटिंग करवाना है, तो वो वहाँ से ऑर्डर देता है, फिर वो बोलता है चलो वॉमिटिंग करते हैं, ठीक है।
चलो ये सब मैंने पिछले वाले लेक्चर में लिखा रखा है, अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाइए और उस सारा का सारा लेक्चर अपलोडेड हो उस पर, ठीक है। चलिए उसके बाद पढ़ा था हमने डायरिया। डायरिया का मतलब मैंने क्या बोला था कि डायरिया में क्या होता है ना कि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मतलब एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, और फ्लूडिटी मतलब जब पॉटी करते हो ना तो पॉटी में आपको बस पानी पानी जैसा ही उसमें क्या बोलते रहता है, फ्लूडिटी बढ़ जाती है। फ्लूडिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो चीज़ ज़्यादा फ्लूड फ्लूड की वजह से बह जा रहा है तो उसकी एब्जॉर्प्शन तो ऑब्वियसली कम हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन हमने क्या पढ़ा था, मैंने बताया था कि एक आता नहीं हाँ दूसरा जाता नहीं। डायरिया में क्या एक मतलब कि वो जा ही रहा है वो रुकता नहीं है, और कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, वो निकल ही नहीं रहा है। कॉन्स्टिपेशन में हो जाता है ना कि कोलोन में हमारा जो फीकस मैटर है, फीकल मैटर अनडाइजेस्टेड फूड है, वो कोलोन में जाके रुक जाता है, मतलब कोलोन तक ही रुक जाता है। आना तो उसको रेक्टम में चाहिए, कोलोन का कोलोन के बाद रेक्टम स्टोरेज पार्ट है ना, फीकल मैटर के लिए टेम्परेरी स्टोरेज होता है, तो कहाँ होता है, रेक्टम में। तो आना तो रेक्टम में चाहिए लेकिन वो कोलोन में ही रुक जाता है, तो अब कितना भी फोर्स करोगे तो वो पॉटी बाहर नहीं आती रहती है, जिसकी वजह से हमें क्या बोलते हैं उसको, वो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि वो अब वो एकदम उसमें ना लिक्विड की अमाउंट मतलब वो पानी का मात्रा जो होता है ना उसमें बहुत कम होता है, उस टाइटली फूड रहती है, टाइटली स्टोरेज अनडाइजेस्टेड वेस्ट रहती है, जिसकी वजह से वो निकलता भी नहीं रहता है, ठीक है। चलिए हो गया, चलो चारों समझ गए। और एक है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब क्या हुआ, अपच। अपच बोला था ना मैंने कि जैसे कि कोई भी स्पाइसी फूड खा लो तो पेट एकदम जलने लगता है अंदर से, मतलब ऐसा लगता है कि भरा भरा ही हुआ है कोई, मतलब या फिर फूड पॉइजनिंग हो जाएगी उसमें भी यही केस हो जाएगा। ओवर ईटिंग कर लोगे कि मतलब मान लो कि तीन जैसे खाया नहीं दो दिन से, कुछ टेस्टी फूड मिल जाएगा ना आपको, जैसे कि घर में ही मान लो दो दिन में मतलब टेस्टी फूड बन गया तो कितना ओवर ईटिंग कर लेते हो कि थोड़ा खाया तो और ज़्यादा खा लेते हैं, हाँ तो उसी उसकी वजह से हमारा क्या होता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, अपच हो जाता है, ठीक है। चलिए सो ओवरऑल हमारा रिवीजन वाला पोर्शन हमने कर लिया, सो आज हमें पढ़ना है बस लास्ट का PEM, ठीक है। एक चलिए चलिए ठीक है। सो आज का हमारा है टॉपिक है वो डालिए PEM, क्या है PEM, ठीक है। क्या होता है ये, इसको बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, देखो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इसको बोलते हैं। माल न्यूट्रिशन की मतलब क्या होता है, कमी, ठीक है, इसका मतलब होता है कमी। देखो तो अब आपको समझ ही आ गई होगी क्या है ये, इट इज द डेफिशिएंसी, कमी को इस वाले डिजीज में इसमें क्या बोलेंगे साइंटिफिक मतलब बायोलॉजिकल में, डेफिशिएंसी डिजीज के केस में, इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। देखो आप इससे ना इस दोनों इस मतलब से निकाल सकते हो पूरा, आपको उतना ज़्यादा नहीं अगर डेफिनेशन आता है तो। देखो प्रोटीन का मतलब प्रोटीन हो गया, एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी हम डायरेक्ट एनर्जी भी लिख सकते हैं, लेकिन इस केस में हमने मैंने एक बॉक्स बना के क्या बताया था आपको, कैलोरी, कैलोरी बताया था ना, तो वो कैलोरी किसको, कैलोरी में किसको मापते हैं, प्रोटीन को ही, प्रोटीन का ये एनर्जी का ही जो यूनिट है, एक जूल है दूसरा कैलोरी है, तो यहाँ पर हम एनर्जी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कैलोरी, ठीक है। हाँ कमी यही यहाँ लिख लेते हैं, प्रोटीन एनर्जी कैलोरी, इट इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कैलोरी इन द फूड, हमारे खाने में जो हम खाना खाते हैं उसमें अगर प्रोटीन और क्या बोलते हैं ये एनर्जी की कैलोरी की कमी हो जाती है तो उससे जो डिजीज होता है, इट इज़ कॉज बाय लिख लीजिए, तो उससे जो डिजीज़ होती है उस डिजीज़ को हम बोलते हैं PEM, इट इज़ कॉज बाय, ठीक है, ये जिस उसकी वजह से होती है तो उसको हम बोलते हैं माल PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। और ये बताया आपको एक बार हुआ था कि जैसे कि माल न्यूट्रिशन प्रोटीन एनर्जी की माल न्यूट्रिशन कैसे हो जाती है, वो हो जाती है कि पहले जैसे साउथ ईस्ट एशिया में जो हमारी हुई थी कि हार्स्ट कंडीशन, जैसे कि अभी देख लो जैसे यूरोप में है
ये रसिया, यूरोप नहीं, रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है। तो वॉर चल रही है, पता नहीं अभी ख़त्म हुई नहीं हुई, डेट अपडेट नहीं। अब क्या होगा कि रसिया का, यूरोप का हाल तो बुरा हो गया है। अब वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे जब खाने को लाने पड़ जाए, जिस जगह पे आपको खाने को लाना पड़ जाए, उस जगह पे आप कितना, मतलब जो मिलेगा वही खा लोगे। उसमें आप ये नहीं देखोगे कि आपको कि हेल्दी है कि नहीं है, इसमें आपको न्यूट्रिएंट ज़्यादा है कि नहीं है। हाँ, अब ये तो देखोगे नहीं। अब उसी के चक्कर में क्या, कुछ भी खा लेते हैं। और जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, ये बच्चों में होता है, और ये बच्चों में इसलिए होता है ना कि देखो, एक एक इन्फेंट में होता है, और एक 2 साल से बड़े बच्चे को में भी, 2 साल तक का होता है, एक होता है 6 महीने से के अंदर। अगर 6 महीने के अंदर वाले बच्चे को होता है तो उसको बोलते हैं हम मरासमस, और 6 महीने के बाद, और जो बच्चा खाना खाने लगता है तो उस बच्चे में होता है, तो उसको क्वासियोर कर बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया कि उसके वजह से आप जो छोटा बच्चा है उसको हेल्दी फूड नहीं दे रहे हो, जैसे कि उसमें जितना उसको प्रोटीन चाहिए, जितना एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी और प्रोटीन उसको नहीं मिलता है। तो उसके वजह से जो डिजीज़ हो जाती है, तो वो डिजीज़ को बोलते हैं हम ये क्वासियोर कर। और जो उसके बच्चे हैं, बच्चा छोटा बच्चा है, लेकिन उसको माँ, जो माँ पर डिपेंडेंट है, तो माँ पर डिपेंडेंट है तो क्या होगा, जो अगर माँ हेल्दी फूड खाएगी जिसमें प्रोटीन हो, एनर्जी हो, कैलोरी हो, फैट हो, विटामिन, मतलब सारे वाइटमिन है, मिनरल्स है, जो एनर्जी वाली फूड है वो खाएंगी, तभी तो वो बच्चे को उसमें जाएगा। हाँ, अच्छा, मदर ही कम खाना खा रही है, मदर ही टाइम पे खाना नहीं खा रही, मदर ही क्या बोलते हैं अच्छी न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रही है, अच्छी चीज़ें से नहीं खा रही है, तो वो सारे के सारे जैसा वो है, तो वैसे ही उसको मिल्क प्रोड्यूस करेगी, वही मिल्क प्रोड्यूस करेगी तो बच्चा वही मिल्क पिएगा, तो उसको वही कमी वाली मिल्क मिलेगी ना। हाँ, यही तो है। जैसे कि आप खाते हो, हम लोग भैंस का दूध खाते हैं और गाय का दूध खाते हैं, लेकिन लोग क्यों बोलते हैं हमको गाय का दूध ज़्यादा प्रीफर करने के लिए, भैंस के दूध के रिस्पेक्ट में हमारी गाय के दूध बहुत पतली होती है, बट जो होती है ना एनर्जी, जिसमें कैलोरी वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू और जो मतलब प्रोटीनियस वैल्यू जो होती है ना, वो गाय के मिल्क में हमें ज़्यादा मतलब देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी की वजह से ना गाय का मिल्क ना ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं। जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं, जो क्या बोलते हैं अप टू 2 to 3 मतलब ईयर्स तक होते हैं, उसको अगर दूध दूध पीता है ना, तो उसको गाय का दूध ही दिया जाता है। और मान लो कि जो बच्चा पैदा हुआ, बहुत जनरली एक केस होता है जैसे सीजेरियन डिलीवरी होती है, या फिर नॉर्मल डिलीवरी में ही मदर मतलब मिल्क इंजेक्शन, मतलब मिल्क प्रोडक्शन में उतनी नहीं है जितना बच्चों को चाहिए, उतना मदर मिल्क नहीं प्रोड्यूस कर पाती है, तो उसको बाहर से, मतलब बाहर से उसको दूध दिया जाता है, तो वो गाय के बच्चे का ही दूध पीती है, मतलब सॉरी गाय का बच्चा नहीं, गाय का ही दूध पीती है, वो बच्चा गाय का दूध ही उसको दिलाया जाता है, क्योंकि वो एक तो ईजिली डाइजेस्टेबल हो जाता है क्योंकि वो पतला दूध है, और दूसरा क्या, उसे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट, मतलब बोला जाता है गाय को, इसलिए मान सकते हैं कि इसलिए भी माता बोला जा गया हुआ है ना, बिकॉज़ क्या बोलते हैं ना उसको कि गाय का दूध है ना बहुत हद तक जो फीमेल की मिल्क होती है ना उससे रिलेट करता है, और उतनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट उसमें बहुत हद तक मिल जाती है एक दूसरे से न्यूट्रिएंट, तो वो गाय के दूध पे भी बहुत बच्चे सरवाइव कर लेते हैं। ठीक है, अब बाकी तो एक्सटर्नल सप्लाई करके फूड तो आप देती हो, कॉम्प्लीमेंट वाली, सप्लीमेंट वाली फूड, जो सेरेलेक वगैरह कोई न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ सब हो गई, तो वो सब। ठीक है, लिखिए, यहाँ तक समझ आ गया मैंने क्या बोला था? हाँ, चलिए, बेसिकली यही है। और ये है जो यहाँ तक हो गया। अब देखिए, ईट अफेक्ट, अभी बोला मैंने कि किसको अफेक्ट करेगा, ईट अफेक्ट इन्फेंट, छोटा बच्चा, इन्फेंट का मतलब होता है ना छोटा बच्चा, जस्ट न्यूबॉर्न बेबी को इन्फेंट बोलते हैं, इन्फेंट एंड चाइल्ड, चिल्ड्रेन, बच्चों में होती है, बच्चों में होने वाली बीमारी है। ठीक है, तो एक का नेम है, इन्फेंट वाले का नेम क्या है, मैरास्मस। अभी यहाँ पे लिख लो बस नेम, आगे हम लोग पूरा मैरास्मस क्या होता है वो सब देखेंगे। मैरास्मस, इसको बोलते हैं क्वासियोर्कर। क्वासियोर्कर, ठीक है, चल रहा, देखो समझ गया, जो एज भी लिख लीजिए यहाँ पे, एक दो लाइन इसके लिखी लीजिए, चलिए फिर आगे हम लिखेंगे। इसका लिखिए एज गैप, इसका एज रेंज है कि ये ऑकर इन, सीधे लिख लीजिए, ये तो समझ गया, प्रोटीन और विटामिन, प्रोटीन और कैलोरी, कैलोरीफिक वैल्यू, फूड कैलोरी की कमी के वजह से होगा। और ये होता है ले इन्फेंट, मींस इन्फेंट को बोलते ही हैं, लेस देन अ ईयर, मींस एक साल के अंदर के बच्चे रहेंगे तो उसको ये कॉज, मतलब उसमें मैरास्मस होगा, ये प्रोटीन की और कैलोरीफिक वैल्यू की कमी की वजह से। ये होता है
मोर देन, चल क्यों नहीं रहा, मोर देन ये होता है, ये एक एक साल की बच्चे मतलब एक साल का छोटा बच्चा है उसके मतलब उसको एक साल के अंदर है, ये एक साल से ऊपर वाले बच्चे को अगर हो गई मोर देन वन ईयर, ठीक है, चलिए ये मोर देन वन ईयर अप टू 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 थ्री ईयर, टू टू थ्री ईयर्स मतलब एक साल से स्टार्ट तो हो जाएगा, एक साल के बाद का अगर डिजीज़ होगा तो बोलते हैं तो वो डिजीज़ इसको एक साल से ज़्यादा दो से तीन साल तक उसके बीच में ही होता है, ठीक है, समझ गए। देखो इसीलिए बोलता है ना कि हमें कभी भी दो बच्चे के बीच में ना कम से कम तीन चार साल का गैप हमें रखना चाहिए, ठीक है, मिनिमम चार साल का गैप हमें रखना चाहिए। क्यों, देखो बच्चा छोटा है, दो बार वन किन कर दिया मैंने, बच्चा छोटा है उसको पूरा का पूरा मदर का मिल्क चाहिए, हाँ मदर का पूरा मिल्क चाहिए। देखो एक साल के बीच में बच्चे पैदा करने का नतीजा क्या होगा, हाँ एक साल का मान लो कि एक मदर है उसने एक साल मतलब एक साल में एक बच्चा पैदा किया इस बारी, और वो बच्चे जैसे ही फिर वो मतलब हो गई जैसे सिक्स मंथ तक तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती ना, वो जो हमारी लैक्टेशनल एमिनेरिया वाली डिजीज मतलब प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम क्या वो रोकने का मतलब वो पीरियड्स रुक जाते हैं उसके इनकेस में, तो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती, तो सिक्स मंथ गैप के बाद क्या होगा, फिर से वो प्रेग्नेंट हो गई तो बच्चा भी छः महीने का ही है, हाँ और फिर से वो प्रेग्नेंट हो गई तो क्या होगा, अब धीरे 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 जैसे जैसे प्रेग्नेंट होती है ना, तो जैसे जैसे उसका मिल्क बंद हो जाएगा बनना मतलब ये होना, कि मान लो सिक्स मंथ बाद सेवन मंथ में वो प्रेग्नेंट हो गई, सेवन मंथ में वो प्रेग्नेंट हो गई तो वो क्या बोलते हैं उसको सेवन से लेकर एट नाइन टेन कुछ मंथ तक वो धीरे धीरे करेगी, फिर जैसे वो प्रेग्नेंट हुई तो बाकी सब एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी ना हमारी, तो उसकी मिल्क प्रोडक्शन रुक जाएगा, तो इस वाले बच्चे फर्स्ट वाले बच्चे को तो दूध मिल नहीं पाएगा प्रॉपरली, तब वो बच्चे के अंदर बिना मिल्क के जो बच्चा दूध पे ही डिपेंडेंट है दो तीन साल तक, दो साल तक तो मिनिमम बच्चे दूध पीते हैं ना नॉर्मली खान, दो एक साल के अंदर तो दूध ही दूध, सिक्स मंथ के अंदर तो दूध ही दूध पीते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत लिक्विड वाला खाना खाते हैं, और उसके बाद क्या है उसके बाद वन मंथ बाद उसको थोड़ा और कुछ खिलाया जाता है, वन ईयर के पे उसको और कुछ खिलाया जाता है, लेकिन दूध तो नहीं छिड़वाती ना मम्मा, दूध तो उसको देती रहती है प्रॉपरली, अब वो बच्चा के मदर बन गई प्रेग्नेंट हो गई और फिर उसके बाद सिक्स मतलब वो बच्चा उसका तो दूध खत्म हो जाएगा मदर का, तो बच्चा क्या हुआ दूध नहीं मिला, तो देखो अब बच्चे को क्या होने की चांसेस है क्वाश्योरकर, बिकॉज मिल्क में ही प्रोटीन होती है, हाँ ये तो हम जानते हैं, तो उसको बच्चे को क्वाश्योरकर होने की चांसेस है, समझ रहे। सो इस मतलब जितने भी गवर्नमेंट लॉजिक देती है कि जितने भी हमें पॉलिसी होते हैं ना हर उस सब के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होती है, बिना लॉजिक का कुछ भी नहीं होता। देखो आप सीधे समझ गए कि दो साल दो बच्चों के बीच में गैप देने का रीज़न क्या था, कि एक बच्चे को एक तो ये बच्चे को क्या बोलते हैं प्रॉपरली प्यार भी नहीं मिल पाता है, दूसरी पहली बात तो वो प्रायोरिटी पर नहीं लेके चलते हैं, चलिए सबसे पहले तो उसकी हेल्थ प्रायोरिटी है ना, प्रायर हेल्थ तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, कि उसका अगर सेहत ही बच्चे का फिटफाट नहीं है तो क्या होगा, कि उसके बच्चे से उसके चक्कर में क्या बोलते हैं इस बच्चे का एकदम अलग अलग कट कट और हेल्थ भी ख़राब होता जाएगा धीरे 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 नहीं होता जाएगा, तो उसके बाद तो उसी के वजह से बोलता है कि अगर आपका बच्चा जब पूरी तरह से सक्षम हो जाए मतलब मम्मी पे डिपेंडेंट, तो बच्चे हमेशा होते हैं कि फाइनेंशली बोल रही हूँ मतलब वो फूड के मामले में कि खाना खा रहा है चलो दूध उसका ख़त्म हो गया तब आप दूसरे बच्चे के लिए तैयार हो, ठीक है, ताकि उसको भी पूरा का पूरा आपका प्यार के साथ आपका पूरा मिल्क उसको जितना चाहिए न्यूट्रिएंट चाहिए वो सब मिल जाए, हेल्दी बच्चा बन जाए और फिर उसका दूसरा कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे जो मतलब करते रहते हैं ना एक से एक साल के बीच बीच में, तो उसी की वजह से बच्चे को डिजीज होने के चांसेस है, बच्चा का मेरास्मस भी हो जाएगा और इस क्या क्वाश्योरकर भी हो सकता है, मेरास्मस हो जाता है कि किस केस में कि किस जिस केस में मदर को फीडिंग का कैपेबिलिटी नहीं है और वो मदर मिल्क प्रोड्यूस भी नहीं कर रही और उसको बाहर से दे भी नहीं रहा, मतलब कुछ है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, गरीबी लाइफ में एक ही चीज़ नहीं है, लाइफ में हर माँ बाप चाहते हैं अपने बच्चों को पूरा का बेस्ट देना, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही होगा ना, अब खुद ही जिसके पास पैसे नहीं है वो रोज़ रोज़ दूध दिला के प्रोटीन ला के कहाँ से देंगे किसी को, तो उस केस में हमारे बहुत ज़्यादा डिजीज हो जाता है, तो ऐसे ही है नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है अब लिखो, अब लिखो मेरास्मस एंड क्वाश्योरकर, देखो मेरास्मस ठीक है,
आप दोनों साइड बना के भी लिख सकते हो, बट मेरा आटेगा नहीं इसलिए मैं एक एक करके लिखूंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैंने कहाँ तक बता दिया था कि 1 साल के अंदर के बच्चे को होता है। ठीक है, और इसका सिम्टम लिखिए। सिम्टम, लक्षण क्या है इसके, मतलब मैसमस हो जाएगी तो उसके बाद उसको क्या क्या हो जाएगा उस बच्चे को। ठीक है, इम्पेयर्ड ग्रोथ। इम्पेयर्ड ग्रोथ का मतलब होता है लाइकली, मतलब जितना जैसा ग्रोथ होना चाहिए, मतलब जैसा हमारा प्रॉपर ग्रोथ होना चाहिए वैसा ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, लाइक ग्रोथ रुक भी सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, ग्रोथ रुक भी सकता है या फिर ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगा। ठीक है, या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू। ठीक है, ग्रोथ की इम्पेयरमेंट हो जाएगी और रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू, टिश्यू को रिप्लेस करने की कैपेबिलिटी जो होती है वो भी क्या होती है, जो एक टिश्यू है दूसरे से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, कि मतलब उल्टा पुलटा नहीं हो जाता है कि बैलेंस नहीं पा रह पाएगा, वो वाली हो जाएगी। या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू हो जाएगा कि, या फिर हो सकता है एक टिश्यू की रिप्लेसमेंट भी होती है, जैसे फटाफट रिप्लेस करने की कैपेबिलिटी वो भी कम हो जाएगी। और टिश्यू का रिप्लेसमेंट जो हो जाएगा कि जैसे मान लो कि ये वाली टिश्यू हमारी लेग के इस मतलब ये हमारे पैर है, ये हमारा हाथ है, तीस वाले पोर्शन के लिए ये वाला टिश्यू है, तीस वाली टिश्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है हमारी, अब देखिए ये हो गई, अब ये वाली लिखो, थीनिंग ऑफ लिम्स, लिम्स की थीनिंग, मतलब बहुत पतली पतली, थीनिंग ऑफ लिम्स, बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे, मतलब पैर वगैरह। लिम्स का मतलब क्या होता है, पैर, हाथ और पैर, हाथ और पैर को हम लिम्स बोलते हैं। ठीक है, लिख लो यहाँ पे, हैंड एंड लेग्स, दो हाथ दो पैर सबको मिला के हम लिम्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए हमारे पास टू पेयर ऑफ लिम्स है, मतलब एक हाथ का पैर पेयर और एक पैर का पेयर। ठीक है, दो पेयर ऑफ ठीक है, समझ गया, लिम्स का थीनिंग मतलब पतला पतला हो जाएगा, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी स्किन में ना ऐसे लगेगा, बचपन में ही ऐसे लगेगा ना कि झुर्रियाँ आ गई है जैसे कि, और स्किन ना मतलब ड्राई रहेगा हमेशा, सूखा सूखा जैसा रहता है, फटाफटा जैसा नहीं हो जाता है, स्किन बिकम ड्राई, स्किन हमारी ड्राई हो जाएगी। ठीक है, व्रिंकल हो जाएगी, दादी जैसे झाड़ियाँ नहीं, व्रिंकल हो जाएगी। ठीक है, जैसे ऐसा लगेगा ना कि वो मतलब बहुत एज जैसे दिखने लगता है बच्चा। ठीक है, छोटा सा बच्चा ही रहता है, मतलब 1 साल के अंदर ही, लेकिन ऐसा लगेगा ना बच्चा बहुत ज़्यादा एज का जैसे अजीब जैसा दिखने लगता है, बीमार जैसा तो लगता ही रहता है, उसके साथ साथ वो बहुत कम एज में ही बहुत ज़्यादा एज का दिख रहता है, समझ गए। चलिए एक और लाइन आ जाएगा, अब देखो इन सब से आपको क्या पता चल रहा है कि इसका ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, डिक्लाइन ग्रोथ रेट इसका, ये सब एनसीईआरटी की लाइंस है तो लिख लेते हैं, ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन हो जाती है हमारी। ठीक है, डिक्लाइन का मतलब गिरने लगता है, जैसे प्रोग्रेस होना चाहिए तो प्रोग्रेस नहीं, ऐसा लगता है कि कम ही होता जा रहा है। ठीक है, डिक्रीज कर लो, ये सिंबल लिख लो, डिक्लाइन होने लगता है। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ तक, लिख लीजिए, चलिए ठीक है, समझ गए, अब आगे लिखो ऊपर से, और हाँ इसका मतलब ये है ग्रोथ रेट और डिक्लाइन हो जाएगा। अब ग्रोथ रेट डिक्लाइन कर रहा है तो उसकी क्या होगी, वेट क्या हो जाएगी इसकी, कम हो जाएगी, तो इसकी वेट है वो भी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये भी हमारी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, चल लिखिए, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट वाला लाइन है ये, लिख लीजिए, हम्म,
ये कॉज होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी, देखो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीफिक कैलोरी कैलोरी टुगेदर। देखो इस लाइन का क्या मतलब है, देखो बोल रहा है ये कॉज होता है ड्यू टू डेफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी टुगेदर, मतलब प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी दोनों के दोनों एक साथ कमी की कमी होगी ना तब ये डिजीज हो जाएगा। ठीक है कि मतलब प्रोटीन भी कमी बॉडी से कम हो रही है और इसके साथ कैलोरी मतलब एनर्जी वाली प्रोसेस भी, हमारी एनर्जी का यूनिट भी कम होता जा रहा है, तो ये हमारा क्या होता है मेरास्मस होता है। ठीक है आगे हम क्वासियोरकर में पढ़ेंगे तो उसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है तो इसीलिए ये वाली लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस वाले लाइन को बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है इसलिए मैंने यहाँ पर अंडर ये कर दिया है, स्टार मार्क लगा दिया। ठीक है और ये हमारे ब्रेन को भी अफेक्ट कर देता है। ठीक है ये कि अभी छोटा बच्चा है तो वो कमी हो जाती है जिसकी वजह से ब्रेन और मेंटल कैपेबिलिटी भी उसका अच्छा नहीं रह पाएगा। अफेक्ट्स ब्रेन एंड मेंटल कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी ठीक है ब्रेन और मेंटल कैपेबिलिटी को भी ये अफेक्ट कर देता है। ठीक है समझ गए, चलिए हो गई हमारी मेरास्मस कंप्लीट हो गई। ठीक है मेरास्मस में हमने क्या क्या देखा कि मेरास्मस का सबसे अगर सबसे पहले याद रख लो तो सबसे पहले डेफिशिएंसी वाली प्रोसेस याद रख लेना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछता है इसमें मेरास्मस में क्वेश्चन पूछ देगा कि एक ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है कि अगर बस प्रोटीन की डेफिशिएंसी जो डिजीज़ हो जाए और ऑप्शन में दिया रहेगा क्वासियोरकर मेरास्मस और ये और दो तीन एग्जांपल दिए होंगे ऑप्शन दिए होंगे तो आपको पता करना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों साथ में ज़रूर दिए होंगे क्वासियोरकर और मेरास्मस दोनों साथ में 100% दिया होगा। ठीक है क्योंकि दोनों में ही बच्चा कन्फ्यूज़ करेगा ना, तो ये देख अगर बस प्रोटीन की डेफिशिएंसी बोला जाए तो दोनों साथ नहीं होते, मतलब पहले प्रोटीन कमी हो गई अभी प्रोटीन के बाद थोड़ी देर के बाद अगर प्रोटीन कमी है बॉडी में हेल्थ नहीं है तो एनर्जी भी तो कम होगा ही, लेकिन साथ साथ नहीं, अगर टुगेदर लिखा हो मतलब दोनों साथ में कमी हो रही है तो उसमें हमें मेरास्मस लिखना है और बाकी में हमें क्वासियोरकर लिखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है समझ गए, और एक दो सिम्टम दे देगा कि क्या बोलते हैं मेंटल कैपेबिलिटी किसमें कम हो जाती है, किसमें थिनिंग ऑफ मतलब लेग्स का होता है, थिनिंग ऑफ हैंड का होता है, ये सब ऑप्शन में दे देंगे। ठीक है नोट कर लीजिए, चलो अब मेरास्मस हो गया क्वासियोरकर लिख लो। ठीक है क्वासियोरकर ऐसा चाय की हुआ है चलिए। ठीक है अब क्वासी ओढ़ कर लिखना है हमें। ठीक है चलो क्वासी ओढ़ कर ठीक है देखो क्या होता है, ये कॉज होता है बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। ठीक है अब देखो प्रोटीन तो लिख दिया, फिर कैलोरीफिक वैल्यू भी होती हैं, बट एक यहाँ पे देखो प्रोटीन एंड कैलोरी। ठीक है बट ये मैं आपको इजी लैंग्वेज में लिखवा रही हूँ, वहाँ पे एक अन एंग क्या है अनकॉम्पेनिस्ट करके लिखा हुआ है तो उसका मतलब आपको समझ नहीं आएगा इसलिए मैं लिख रही हूँ, बट नॉट टुगेदर इसका मतलब यही है, नॉट टुगेदर मतलब उसमें हमारा साथ में था इसमें साथ में नहीं है, कि मतलब मान लो कि अब पहले बच्चा हुआ तो उसके प्रोटीन कमी हो गई, फिर धीरे धीरे कुछ दिन के बाद प्रोटीन के बाद एनर्जी तो कमी हो ही जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है तो पहले इसमें पक्के से क्या हो जाएगी हमारी, पहले से हमारा 100% इसमें प्रोटीन की कमी होगी, प्रोटीन की कमी होगी। चलो अब मैंने बता दिया इसमें कितने साल के बच्चे के ऊपर होता है, ये मैंने लिखवा दिया है कि ये ऑकर होता है मोर देन वन ईयर, एक साल के ऊपर इसके बच्चे को होता है तो उसको हम क्वासियोरकर बोलते हैं। ठीक है अब देखो
इसमें भी क्या होता है, थीनिंग हो जाती है, थीनिंग हो जाती है ऑफ लिम्स, लिम्स की थीनिंग होती है, बट यहाँ पे लिख लो बट सम फैट इज स्टोर विद इन इट, मतलब उसके साथ कुछ फैट स्टोर भी होंगे, ऐसा नहीं है। उसमें क्या था हमारा, क्या बोलते हैं, मरास्मस में पूरा का पूरा बहुत थीनिंग हो जाती है, उसमें फैट का भी स्टोरेज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे है ना लिम्स का थीनिंग तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ फैट अंदर में स्टोर भी रहता है। ठीक है, ये वाली याद होगी। अब देखो, अब एक लाइन, एक वर्ड सुना होगा आपने, ओएडीमिया। ठीक है, ओएडीमिया, OADME। ठीक है, ओएडीमिया आपने नाम सुना होगा। ये क्या होता है कि हमारे बॉडी फ्लूड होती है, बॉडी पार्ट होती है ना, बॉडी पार्ट में ना फ्लूड का एकुमुलेशन हो जाता है, कि फ्लूड ना जुड़, मतलब वहाँ पे आप जैसे उसको टच करोगे ना, तो ऐसा ना फ्लब, मतलब ऐसा लगेगा कि अंदर से पानी भरा हुआ है जैसे, तो वही है, वैसी ऑर्गेन हो जाती है। एक्सेस फ्लूड इज स्टोर्ड विद इन विद इन ने इन बॉडी, इन साइड द स्किन लिख लो सीधे, इन बॉडी एक्सेस फ्लूड इज स्टोर इन साइड द स्किन, स्किन के अंदर में, मतलब जैसे कि स्किन हुआ उसके नीचे ना आपको, मतलब थोड़ा सा थोड़ा सा क्या बोलते हैं ये फ्लूड का एकोमुलेशन हो जाएगा, फ्लूड का एकोमुलेशन हो जाता है, तो इसका एक ये ओएडीमिया है, जो क्वासियोरकर का एक ये क्या बोलते हैं इसका पहचानने का तरीका है। ओएडीमिया सीधे आपको दिया रहेगा तो कुछ मत देखना, सीधे क्वासियोरकर पर चले जाना। ठीक है, चलिए, सो हो गई हमारी टॉपिक ये कम्प्लीट। ठीक है, अब है कि पहले पूछता था, पहले ना वो विटामिंस वाले पूरे चैप्टर, मतलब जी पूरा का पूरा चार्ट बना के पिछले वाले एनसीईआरटी में दिया था, बट वो हमारे में स्किप कर दिए। एक दो विटामिन की डेफिशिएंसी तो आपको पता ही है, जैसे जैसे, या फिर बायो मॉलिक्यूल्स में मैं एक जो बायो मॉलिक्यूल्स का जो लास्ट में थोड़ा विटामिंस दिया हुआ है ना, विटामिंस, तो विटामिंस दिया हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं कि उसमें मैं पढ़ा दूंगी कि एक दो विटामिन विटामिंस हो गए, जैसे कि विटामिन ए है, बी है, सी है, और उसके बाद क्या बोलते हैं, हाँ यही तीनों है, डी है, तो ये सब जो हमारे डेली यूज़ में यूज होता है वो। लेकिन आपसे ऐसा पूछेगा नहीं, हमें बहुत पढ़ना है, मतलब पहले तो बहुत पढ़ना था। ई का भी वेरिएंट, मतलब विटामिन ए, विटामिन बी में बी वन होता है, बी टू होता है, बी सिक्स होता है, तो वो सब हमें हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपसे वो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलो नोट कर लो ये। चलिए, ठीक है, हो गया ये। चलो अब कुछ एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, सारा तो नहीं हो पाएगा बट देखते हैं। देखो देखो, फटाफट करेंगे ताकि हमारा कंप्लीट जल्दी हो जाए। ये क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, चलो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। Which of the following are absorbed by, question number one है, which of the following are absorbed by mechanism of facilitated transport with the help of carrier। वो तो है ही, facilitated transport भी अगर लिख दे तभी भी वही होगा, transport with the help of carrier। देखो कि क्वेश्चन कितना ईजी कर दिया है आपके लिए। हाँ, नंबर वन में ऑप्शन दिया हुआ है फ्रक्टोज एंड अल्कोहल, बी है हमारा
ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड। सी है हमारा फैट एंड ग्लूकोज। डी है हमारा फैट एंड अमीनो एसिड। चलो आंसर देखते हैं। देखो जल्दी से देखो क्या है। विच ऑफ द फ्लोइंग एब्जॉर्ब बाय फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के द्वारा हमें बोल रहा है एब्जॉर्ब किया जाता है। अब देखो जिस बच्चे को फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट नहीं पता होगा वो क्या कर सकता है। यहाँ पे लिख दिया है विद द हेल्प ऑफ कैरियर। तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के लिए कैरियर की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ समझ गया। देखो तो अब मैंने क्या बोला था कि फैट और ग्लूकोज ये तो होगा नहीं। फैट है तो ये होगा नहीं। फैट हमारा क्या कहते हैं उसके लिए तो अलग से प्रोसेस होती है ना लेक्टिन वाला काइलोमाइक्रोन वगैरह बना के। तो सीधे जहाँ पे फैट दिख रहा है उसको सबसे पहले काट देंगे। अब बचा हमारे पास दो ऑप्शन। अब उसके दो ऑप्शन में ध्यान से देखो अल्कोहल है ठीक है। अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन। अब फ्रक्टोज और अल्कोहल दिया हुआ है। देखो फ्रक्टोज और अल्कोहल का फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से थोड़ी ना होता है। हाँ उसको तो एब्जॉर्प्शन हो जाता है सीधे। तो ये भी आप काट सकते हो। अब वैसे भी हाँ तो आंसर हमारा आएगा ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड ठीक है। चलिए नोट कीजिए तब तक मैं एक छोटा सा क्वेश्चन नीचे लिखती हूँ। चलो आप ये क्वेश्चन सब आपको समझ आज उसी बच्चे को आ रहा होगा जो रेगुलर सिक्वेंसली अभी तक मेरे सारे लेक्चर देखे हैं। जिसने नहीं देखे उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरे पीछे के सारा लेक्चर देखो। आपको ये मेरा लेक्चर देखने के बाद कन्फर्म है कि आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो आप मुझे कॉमेंट में बताना मैं फिर आपको समझा दूँगी वो अच्छे से ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन है टू। क्वेश्चन नंबर टू है वॉमिटिंग इज ए रिफ्लेक्स एक्शन। वॉमिटिंग इज ए रिफ्लेक्स एक्शन एंड इट कंट्रोल बाय कंट्रोल्ड बाय द वॉमिट सेंटर। ठीक है दिस इज प्रेजेंट इन। देखो कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा पूछ रहा है। ऑप्शन में भी लिख लो दिया हुआ है तो सेरेब्रम। बी है हाइपोथैलेमस। सी है मेड्यूला। डी इज पॉम सेरेबेलम लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ वही नोट करेंगे हम अपने मन से चेंज नहीं करना चाहिए। सेरेबेलम चलिए समझ गए। देखो बोल रहा है कि वॉमिट सेंटर अभी हमने पढ़ा आज भी मैंने रिवाइज करवाया आपको और कल वाले लेक्चर में भी मतलब पिछले वाले लेक्चर में भी हमने देखा था कि वॉमिट सेंटर कहाँ पे होती है हमारी मेडुला ऑब्लोगेंटा में। तो आंसर क्या होगी हमारी मेडुला ऑब्लोगाटा ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए हो गया नोट कर लिए। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड है। चलिए थर्ड लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारे पास प्रोटीन कोटेड बाय ग्लोब्यूल। प्रोटीन कोटेड बाय ग्लोब्यूल। आर कॉल्ड ठीक है। उसके बाद है which are transported into फिर डैश इन विलाई।
सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन जो नीचे दिया हुआ है उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है. नंबर वन में है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल एंड कैपिलरीज. बी हमारे पास दिया हुआ है काइलोमाइक्रोन एंड लैक्टेल. ठीक है. सी दिया हुआ है हमारे पास काइलो माइक्रोन कैपिलरीज. फॉस्फोलिपिड लैक्टेल्स. चलिए देखो, बोल रहा है कि एक प्रोटीन है, प्रोटीन को कोड करते हैं, ये वन है और ये टू है, फिल इन द ब्लैंक्स, यही दोनों हमें ढूंढना है. ठीक है. चलिए, ये है एक प्रोटीन कोड है बाय बाय ग्लोबुल्स. ग्लोबुल्स के मतलब ये इसमें ऊपर से प्रोटीन को ऊपर से कोड कर देते हैं, ग्लोबुल बन जाता है. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबुल्स से जो कोड करते हैं तो क्या बनता है. हाँ, ये सब हमने पढ़ा था, जो मैंने मतलब बताया था कि क्या विलई वाला पोर्शन इंटेस्टाइनल जहाँ पे लेक्ट फैट का स्टोर हो जाता है वहाँ पर भी बताया था मैंने, तो उसको क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन. ठीक है. अब देखो, काइलोमाइक्रोन तो देखो, अब यहाँ पे क्या है, कोलेस्ट्रॉल तो होगी नहीं, अब दूसरे में क्या है, फॉस्फोलिपिड कहाँ से आ जाएगी, हाँ ये भी नहीं. ये दोनों कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि ये दोनों लिपिड का पोर्शन है. हमें क्या पूछ रहा है, हमें प्रोटीन पूछ रहा है, तो आप ऐसे भी मतलब देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं. अगर आपको नहीं पता है इस क्वेश्चन में तो आप देखो इसको हम कैसे स्किप करके मतलब बिना पढ़े समझ सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं, वो भी सही. देखो, प्रोटीन है तो पक्के से कोलेस्ट्रॉल तो होगा नहीं कोई भी कंडीशन में, और फॉस्फोलिपिड भी नहीं होगा. देखो, कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है, जो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मतलब, सबको पता है कि कोलेस्ट्रॉल किस कब होती है, जब हम ज़्यादा फैटी चीज़ खाते हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है. ठीक है. अब फॉस्फोलिपिड में लिपिड लिखा ही हुआ है, तो ये दोनों तो कैंसिल. अब बची क्या हमारी, काइलोमाइक्रोन और कैपिलरीज, और काइलोमाइक्रोन और लैक्टेल्स. अब देखो क्या बोल रहा है कि ये है जो ग्लोबुल्स कोट हो गए, अब विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू दैस इन विलाई. विलाई में बोला है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है आपसे. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन के कंडीशन में हमसे पूछ रहा है, तो इसमें एक तो ये काइलोमाइक्रोन दोनों में सही है. अब वो बोल रहा है कि एक कैपिलरीज में होता है और एक लैक्टिल्स में होता है, तो एक बात मुझे बताओ, एक बात बताओ, कैपिलरीज जो पोर्शन होती है हमारी, हाँ वो किस चीज़ को स्टोर कर मतलब ये करती है, ट्रांसपोर्ट करती है. हाँ बताओ, कैपिलरीज जो होती है ब्लड, ब्लड कैपिलरीज का मतलब क्या हुआ कि ब्लड वाले सेल्स. तो ब्लड वाले सेल्स कभी भी क्या बोलते हैं, प्रोटीन को ग्लोबुल्स. ग्लोबुल्स का मतलब ऊपर से फैट जैसा क्लेयर को कवर्ड हो गया, तो उसको तो कभी से भी नहीं करेगी. हाँ, तो ये वाली तो हो नहीं सकती. ये तो मतलब क्या होता है इसका, ये नॉर्मली प्रोटीन को ले जाती वैसे फॉर्म में, लेकिन जो कोट कर दिया, काइलोमाइक्रोन बना दिया, तो उसके बारे में तो बल्क पोर्शन बड़ा बन गया ना. कैपिलरीज खुद में छोटी है बेचारी. हाँ, और वो एकदम बल्की पोर्शन बन गया, उस बल्की पोर्शन को कहाँ से ट्रांसपोर्ट करके ले जाएगा. ठीक है, तो ये नहीं. कैपिलरीज़ क्या होती है, जहाँ पे क्या आर्टरीज और वेंस दोनों जुड़ते हैं, वो बहुत छोटे छोटे पार्टी, छोटे छोटे वेंस बना, ये बनाते हैं ट्यूब जैसे बनाते हैं, तो उसको कैपिलरीज बोलते हैं ना. तो आप अंदाज़ा भी इससे लगा सकते हो, तो आंसर हमारा होगा ये लैक्टियल काइलो माइक्रो लैक्टियल. ठीक है, चलिए नोट कर लो. चलिए नोट कीजिए, चलो नोट कर लिया. चलो, फाइव क्वेश्चन करेंगे हम, उससे ज़्यादा नहीं. चलो, दो क्वेश्चन और है, नोट कर लो. है तो क्वेश्चन बहुत सारे, बट टाइम भी तो होता है ना. क्वेश्चन नंबर फोर, थर्ड तक हो गया था ना. हाँ चलिए, लिखा हुआ है व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज रिप्लेस्ड बाय, व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग is replaced by less nutritive value, less
न्यूट्रिटिव फूड, वैल्यू वाली फूड, मतलब कम खाने, मतलब न्यूट्रिशन नहीं हो उसमें। लो इन बोथ, अब देखो प्रोटीन भी एंड कैलोरी। द इन्फेंट बिलो 1 ईयर इज लाइकली टू सफर फ्रॉम फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमारा पेलेग्रा, सेकेंड ऑप्शन दिया है हमारे पास मेरास्मस, सी दिया है रिकेट्स, डी दिया है क्वासियोरकर। देखो देखो मैंने क्या बोला था, अब देखिए जस्ट हमने पढ़ा है क्या बोल रहा है, जब ब्रेस्ट फीडिंग, व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग बात ही हो है, वो रिप्लेस किया जाता है लेस न्यूट्रिटिव फूड, न्यूट्रिशन उसमें कम है, लेकिन उसके साथ साथ देखो आपको सारा कुछ दे दिया है, लो इन न्यूट्रिशन इन बोथ प्रोटीन एंड कैलोरी। देखो मैंने क्या बोला था, जब भी ये मैरास्मस वाली आएगी तो उसमें आपको बोथ टुगेदर मतलब प्रोटीन और कैलोरी दोनों साथ में कमी का ही दिखाएगा। उसके बाद भी देखो आपको कितने सारे ऑप्शन हिंट दिए हुए हैं, द इन्फेंट बिलो 1 ईयर, देख रहे हो, ये मैं आपको अगर चलो लेस न्यूट्रिटिव में आपको प्रोटीन और कैलोरी में डिफरेंस मतलब नहीं समझ आ रहा, याद नहीं आ रहा कि चलो क्वासियोरकर में कितना था और इसमें था, लेकिन ये तो मैंने बताया ना कि इन्फेंट मतलब 1 साल से नीचे वाले बच्चों को इन्फेंट बोलते हैं, तो उस वाले में तो सीधे आप क्या कर दोगे, इससे आंसर क्या होगा हमारा मेरास्मस, समझ गए, इसमें क्या होगा प्रोटीन और कैलोरी दोनों साथ में नहीं होंगी, और इसमें क्या होता है 1 साल से ऊपर के बच्चे को होता है, ये वाली विटामिन की वजह से होती है, ये वाली भी हमारी विटामिन की वजह से होती है, विटामिन वाली डिजीज है ये दोनों, ठीक है, तो ये दोनों तो होगा नहीं, समझ गया, चलिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है, नहीं आएगा यहाँ पे, नोट कर लीजिए आप, चलिए ठीक है हो गया, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, बस लास्ट है आज का, चलो क्वेश्चन नंबर 5th, 5 नंबर है, बोल रहा है अ पेशेंट इज जनरली एडवाइज टू स्पेशली कंज्यूम मोर मीट लेंटिल्स लेंटिल्स मिल्क एंड एग, मिल्क एंड एग इन डाइट ओनली, वेन ही सफर फ्रॉम, ए ऑप्शन है हमारा स्कर्वी, थर्ड है क्वासियोरकर, सेकेंड इज क्वासियोरकर, सी मेरास्मस, ये दोनों तो साथ में दिया ही होगा कोई डाउट नहीं है इसमें, डी है अनीमिया। देखो
नहीं, इसमें मरास्मस नहीं दिया हुआ है, तो सबसे इजी हो गया। आप देखो इसमें रिकेट्स लिखा हुआ है एक। चलो अब तो ये सबसे ज़्यादा इजी है, इसको तो आपको ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो सीधे इसका आंसर क्या लिखोगे, स्क्वासी वर्कर, क्योंकि इसमें मेरास्मस नहीं दिया है। अगर मेरास्मस दिया रहता तो हम उसमें क्या देखते कि हमारा प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी भी साथ है कि नहीं, ये देखते। आप देखो वैसे भी देखो क्या लिखा हुआ है कि ओनली लिखा हुआ है, ओनली पे ध्यान दीजिए ज़्यादा। हाँ, और ओनली के साथ क्या लिखा हुआ है कि देखो जितना भी खाना है उस समय बस प्रोटीन है। बोल रहा है मीट, मांस, मांस खाते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा बस प्रोटीन मिलती है। लेंटिल्स, लेंटिल्स का मतलब है ये जो साग सब्जी खाते हैं ना, स्पिनच वगैरह, वैसा ही लेंटिल्स होता है तो उसमें भी प्रोटीन होती है। मिल्क और एग दोनों में प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन की अमाउंट ही बस बोल रहा है खाने, और ओनली लिखा हुआ है ये भी। तो इससे भी अगर मैरसमस आएगा तो उससे आप क्लियरली देख लोगे कि उसमें बस और बस हमारा प्रोटीन का बढ़ावा दिखा रहा है और बाकी कोई खाना तो है ही नहीं, तो हमारा क्वासी और आंसर हो जाएगा। समझ गए। स्कर्वी है, ये वाइटमिन की कमी से होती है, सी की कमी से होती है। हाँ, अनीमिया हमारा क्या, पर्निशियस अनीमिया, ब्लड की कमी हो जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगी विटामिन B12। हाँ ये सब, हाँ एक दो सब ये याद रख लीजिए। अब ये है विटामिन, ये पढ़ा दूंगी मैं, विटामिन डी की कमी से हो जाती है। ठीक है, यही एक दो, जैसे कि ये ऑप्शन में क्वेश्चन के साथ ऑप्शन में, जैसे इससे पहले मैंने क्या 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 दिया था, विटामिन डिजीज़। ठीक है, चलो इतना तो याद हो गया, ये विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से, विटामिन B12 की कमी से होता है। चलिए नोट कीजिए, मैं देखती हूँ पहले। चलिए हो गया, चलो सो खत्म हो गए हमारे। लिख लो एक दो विटामिन है उसको लिख लो, जो आप जनरली पूछा जाता है स्पेसिफिक, जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन था उसमें पैलेग्रा दी थी ना। हाँ लिख लो विटामिन डिजीज। ठीक है, देखिए सबसे पहले विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, विटामिन बी, विटामिन बी में भी एक B1 है, एक B3 है। ठीक है, विटामिन B1 B3, B1 से होता है बेरी बेरी, B3 से होता है पैलेग्रा, जो मैंने अभी अभी वाले क्वेश्चन में दिया था। चलो विटामिन B12 ये भी लिख लो, अभी हमने पढ़ा है अनीमिया मीन्स पर्निशियस अनीमिया। ठीक है, चलिए इसके बाद है विटामिन डी, रिकेट्स, क्वेश्चन में दे रहा है तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए ना। बस यही सब देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देगा। विटामिन अब कौन सी बच गई, सी, डी मैंने लिखवा दी, सी नहीं लिखवाई। चलो स्कर्वी, ठीक है चलिए ये वाली सब लिख लीजिए, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब इसी समय से कोई कोई क्वेश्चन में दे देगा और इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो रोज़ रोज़ मर्रा की ज़िंदगी जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो उसी सब से दे देता है। ठीक है, चलो नोट कर लो। चलिए हो गया, चलिए फिर नोट कर लिए। ठीक है, चलो सो हो गया आज का हमारा। ठीक है, जाके चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सारे वीडियोस देखिए, और ये क्वेश्चन कराए वो सब, आप सारे वीडियोस देखोगे ना तो आपके सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। और बार बार बोल रही हूँ मैं, NCERT बस पढ़िए, बस आप NCERT पे फोकस करो, जितने NCERT। अब की बार पता है आपको कि मैंने फिजिक्स का कैलकुलेट किया है, कि मैंने क्वेश्चन देखे थे फिजिक्स में,
हमारा कि 48 मतलब 50 क्वेश्चन, अब तो फिर ये कर दिया ना कि मतलब 10 क्वेश्चन और बढ़ा दिए, पहले 45 था तो 55 हो गए, 55 में से 48 क्वेश्चन बस एनसीईआरटी की नोटबुक है ना, बुक है ना हमारी फिजिक्स की, चार बुक है क्लास 11th और क्लास 12th की, दोनों मिला के चार, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट वन पार्ट टू, उसमें से एग्जाम्पल और उसके बाद एक्सरसाइज ये सब लेके और बीच बीच में से थोड़े से पॉइंट लेके 48 क्वेश्चन बस सीधे सीधे डायरेक्ट हमारा क्या बोलते हैं एनसीईआरटी से आया है। उसमें से बहुत सारे तो डायरेक्ट आया है ना, नंबर चेंज हुआ है, न्यूमेरल फॉर्म भी चेंज नहीं किया है। सो समझ रहे हो आपको एनसीईआरटी कितनी ये है, एनसीईआरटी मतलब एनटीए वाले ना क्या बोल करते हैं कि उन्हें मेहनत करना नहीं पड़ मतलब चाह रहे हैं, अब तो ऐसे ही लग रहा है कि वो मेहनत करना नहीं चाह रहे। देखो सीधे धराधर पूरा एनसीईआरटी का ही दिया जा रहा है, तो सोचो जब फिजिक्स में एनसीईआरटी डायरेक्ट दे रहे तो बायो में भी देंगे और केमिस्ट्री में भी देंगे। तो मैंने अभी फिजिक्स का कैलकुलेट करा क्योंकि मैंने देखा था, तो थोड़ा सा मैं फिजिक्स भी पढ़ती हूँ मतलब मुझे अच्छा लगता है इसलिए, तो फिजिक्स पढ़ रही थी तो मैंने उसको देखा थोड़ा सा, तो उसमें 48 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, जिसमें से दो तीन क्वेश्चन है मतलब जिसका नंबर चेंज कर दिया, जैसे कि न्यूमरल फॉर्म होते हैं कहीं 15 है तो 30 कर दिया बस, तो ये तो आप कर ही लोगे इतने सारे सॉल्व करते। तो सोचते हो जितने ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक मत पढ़ो, उतना एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को थॉरली मतलब एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार रट जाओ, अगर नहीं याद होता है, फिजिक्स की बात कर रही हूँ मैं कि अगर तुम्हें नहीं आता है तो तुम उसको रट जाओ, एटलीस्ट रटने पर भी तो आ जाएगा, कैसे नहीं होगा, एक से दो बार बनाओगे तो जरूर आ जाएगा। तो वैसे ही बायो, बायो के भी एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ोगे सारे क्वेश्चन हो जाएगा, और फिर केमिस्ट्री के भी सारे क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी से ही करेंगे, ठीक है। मैं तो बस एनसीईआरटी आपको पढ़ाऊंगी, उससे बस थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा के लिए मैं इतना पढ़ा रही हूँ, बाकी तो एनसीईआरटी एनसीईआरटी है बस, ठीक है। चलिए सो वो हम 11th 12th में रहते हैं ना, हमें कुछ समझ नहीं आता, हम इतनी सारी बुक्स खरीद लेते हैं, और सबसे मेन मेन सबसे मेन बुक जो है भगवान है हमारी नीट के लिए डॉक्टर्स की एनसीईआरटी, उसको तो साइड, फिजिक्स के बायो की एनसीईआरटी तो बच्चे पढ़ भी लेते हैं और केमिस्ट्री की भी बहुत हद तक पढ़ लेते हैं, बट जब फिजिक्स की बात होती है ना तो फिजिक्स की तो साइड ही कर देते हैं बच्चे। देखो 48 क्वेश्चन जिस बुक से आ रहा है उस बुक को आप साइड कर दिए और बाकी का इतना मोटा मोटा बुक लेके पूरे दिन बैठे पड़े हो, सोचो कैसा लग रहा होगा आपको, थोड़ा सा सोचो कि जिसमें से पूरा का पूरा मैक्सिमम 90% क्वेश्चन जिसमें से आ रहा है, 48 आपको मतलब समझ रहे हो, आपको 48 क्वेश्चन आपको आ रहा है एक बुक में से, 48 नहीं 46 शायद ऐसे ही है, 46 या 40 हाँ 48 क्वेश्चन है, 55 है ना उसमें से 48 क्वेश्चन है, 48 क्वेश्चन इसमें से आ रहा है जिसमें से आपको 55 बनानी है। हाँ मान लो ग्रेड हमारा इसमें से हमें पूरा बनाना पड़ता है, तो उसमें से 48 में सबको जिसमें से 45 बनानी है वो आपके लिए आ रहा है कि बेनिफिशियल है, जिससे आप पूरा सेलेक्ट हो जाओगे उस बुक को बोलो चलो साइड कर दिए, अब मोटी मोटी लेके क्या क्या सी डी सी पांडे एच सी वर्मा सब बनाए जा रहे हैं। सो एनसीईआरटी को सबसे पहले प्रीफर करो, ठीक है, मेरा तो यही है। चलो हर बुक में हर सब्जेक्ट में पूरा का पूरा एनसीईआरटी सबसे पहले हम प्रीफर करेंगे। मैथ्स बायो तो पढ़ते ही हो आप एनसीईआरटी, बायो के तो सारे बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, बस बायो थोड़ी ना आपको नीट में डॉक्टर बनाएगी, बायो में 360 ले आओगे और फिजिक्स केमिस्ट्री में बुक मार्क्स नहीं लाओगे तो फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप लेना पड़ेगा। अभी की कंपटीशन कितनी बढ़ गई है, 720 में से 720 इस बार 715 नंबर आए, लेकिन अभी से पहले 720 भी आ रहे थे ना, तो अगले चांसेस भी हो सकती हैं। तो पढ़ना तो हमें तीनों सब्जेक्ट है, ये हमें रैंक दिलाती है, बायो हमें रैंक दिलाती है, बट सिलेक्शन के लिए हमें तीनों सब्जेक्ट थॉरली और तीनों सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं। बायो का जो दो बच्चा है जिसमें दो एक बच्चा का ये रैंकिंग किस बेसिस पे हुई है, तीन बच्चे की 715 मार्क्स आई है ना, लेकिन रैंकिंग की बेसिस हुई है कि पहले वाली जो लड़की है तनिष्क का, उसका मैथ्स में बायो में अच्छे मार्क्स आए होंगे उस दोनों के रिस्पेक्ट में मार्क्स, या फिर उसका तो फिर 715 है तो कुछ एज गैप का भी रिलेशन होता है, वो मैं बता दूंगी कि जो जिस बच्चा का एज थोड़ा प्रेफर होता है ना उसके अकॉर्डिंग भी होता है। चलिए सो थैंक यू और पढ़ो बस एनसीईआरटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, मैं तो यही कहूँगी, और बस मेहनत करो, चलो बाय।